Bismillahir Rahman Rahim. My name is Muhammad Al-Manshi. My subject is Financial Accounting 2, ADP Semester 2 of Business Management and Accounting and Finance. बेटा हमारा जो ongoing topic था, that is Accounting for Long-Term Liabilities, Chapter 14 of our book, and today we are going to discuss about the second lecture of this topic. फर्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हमने अपने कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कशंस कर ली थी. आज हम लोगों ने उससे आगे कंटिन्यू करना है और कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे. बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज का ये लेक्चर जो है इस चैप्टर को कम्प्लीट कर देगा. उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर अपनी न्यूमेरिकल परफॉर्मेंसेज की तरफ मूव करेंगे. तो बेटा आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, दैट इज़ एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ नोट्स एंड प्रिपेयर एंट्रीज टू अकाउंट फॉर नोट्स. नोट्स यहाँ पर हम नोट्स पेबल की बात कर रहे हैं. तो बेटा जिस अब देखिएगा लॉन्ग टर्म नोट्स पेबल की हम बात करते हैं, जिसमें आपको देखिए डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन में मैंने कुछ चीज़ें शो की हैं कि कंपनी है और दूसरी तरफ एक लेंडर है. लेंडर मीन्स मनी लेंडर जो कि उधार देते हैं, जिसको मैंने बैंक स्पेसिफाई किया है. अब यहाँ पर देखिए कि बैंक से कैश कंपनी ने क्या किया, जो है ना बोरो किया. लेंडर ने लेंड किया, कंपनी ने बोरो किया और कंपनी ने उसके अगेंस्ट नोट्स पेबल एक साइन करके उनको दे दिया. नोट पेबल का मतलब है कि कंपनी ने उसमें इस चीज़ को एडमिट किया है कि हमने आपसे लोन लिया है स्पेसिफिक टाइम पीरियड का, और जितने टाइम पीरियड का लोन है उतने टाइम पीरियड पे कंपनी एक स्पेसिफिक रेट के हिसाब से क्या करेगी, इंटरेस्ट भी पे करेगी और साथ ही साथ और आफ्टर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड कंपनी उनका वो पैसा उनको वापस करेगी. ये चीज़ें नोट के अंदर सारी डिफाइन कर दी जाती हैं और मेंशन कर दिया मैंने कि व्हेन द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट गोइंग टू बी मेड, कब हमने ये पैसा वापस करना है. प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल मीन जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ लोन है और उसके साथ साथ हमने इंटरेस्ट उसके ऊपर किस तरह से देना है और कितना देना है. अब देखिए बेटा नोट डेट का मतलब है जिस डेट के ऊपर नोट साइन किया गया, और नोट मेच्योरिटी डेट का मतलब है कि जिस डेट के ऊपर हमने प्रिंसिपल अमाउंट उसको रिटर्न करनी है, और प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ हमने उसको क्या करना है, इंटरेस्ट भी वापस करना है. तो ये था हमारे पास एक जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ नोट्स पेबल की हम बात कर रहे हैं. अब इसमें बेटा हमारे पास एक टाइप ऐसी आती है कि जिसमें हमने सिंगल पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की बात करी. यानी कि अगर सपोज करते हैं कि हमने बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया है और हमने 5 साल के लिए लोन लिया है, तो 5 साल के बाद हमने फिर क्या करना है कि इकट्ठा प्रिंसिपल अमाउंट और 5 साल का इंटरेस्ट हमने इकट्ठा पे करना है. या बाज़ अवकात इस तरह से भी होता है कि इंटरेस्ट की पेमेंट्स हम शायद साथ साथ करते जाते हैं, लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट जो होगी वो 5 साल के बाद हमने लमसम इकट्ठी पे करनी है. सिंगल पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखिएगा तो नोट डेट, यहाँ पे नोट इशू करने की डेट थी जिस दिन हमने लोन लिया बैंक से और नोट इशू किया, और नोट मेच्योरिटी डेट यानी कि वो आफ्टर 3 ईयर है या 4 ईयर है या 5 ईयर है, वट एवर द मेच्योरिटी डेट जो भी हमारे जितने साल का भी है, तो सिंगल पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की हमने बात की कि एक ही अमाउंट के अंदर हमने क्या करनी है कि प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करनी है और सिंगल अमाउंट पे हम साथ ही साथ हमने क्या पे करना है, इंटरेस्ट भी उसके साथ हमने पे कर देना है. ठीक ओके जी. और एक नोट पेबल इस तरह का होता है बेटा, जरा गौर से देखिएगा कि रेगुलर पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की बात करते हैं. ठीक हो गया. अब इसमें होगा क्या बेटा, कॉन्सेप्चुअली जरा सुनिएगा इस चीज़ को, कि हमने एक लोन टेकअप किया है, कंपनी ने लोन लिया और लोन लेने के बाद कंपनी ने क्या किया कि 5 साल का टाइम पीरियड डिसाइड कर लिया कि 5 साल के बाद कंपनी 5 साल के अंदर कंपनी लोन वापस करेगी और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करती रहेगी कंपनी. तो फिर हमने ये करना है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने 5 लाख का या 10 लाख का लोन लिया है, उसको बजाय के 5 साल के बाद इकट्ठा पे करने के हम उसकी इंस्टॉलमेंट्स बना लेते हैं और कंपनी को कहते हैं कि हम आप, कंपनी उसको कहती है कि हम आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बजाय के इकट्ठी 5 साल के बाद लमसम देने के हम आपको इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में पैसे वापस करते रहेंगे, साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी देते रहेंगे और इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट की वापसी भी आपकी क्या होती रहेगी, वापस होती रहेगी. यानी कि सपोज कर लिया कि अगर 5 लाख रुपया था, 5 सालों में हमने वापस करना है, तो हर साल हम कंपनी को क्या करेंगे, 1 लाख की पेमेंट करते रहेंगे और उसके साथ जितना इंटरेस्ट बनता है वो भी साथ करते रहेंगे. तो अगर आप नीचे फ्लो चार्ट में देखिए तो रेगुलर पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की हमने बात की, नोट डेट जैसे साइन हुआ उसके बाद ये जितने भी मैंने पॉइंट शो किए हैं, ये पॉइंट समझ लें कि क्या है कि ये सारे के सारे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स होती जा रही हैं और मेच्योरिटी डेट तक पहुँचते पहुँचते हम क्या करते हैं कि बैंक का सारा कर्ज स्लोली स्लोली उतारते जाते हैं. जैसे कि एक रूटीन लाइफ में आपने एग्जाम्पल सुनी होगी, हम गाड़ी बैंक से लेते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स करवा ली, तो गाड़ी का जितने पैसे थे वो एक किस्म का लोन था ना हमारे पे, तो हमने वो 5 साल में इंस्टॉलमेंट्स की मद में क्या कर दिया,
थोड़ा थोड़ा कर कर गाड़ी के पैसे भी उतार दिए और उसके ऊपर जो साथ इंटरेस्ट था वो भी साथ साथ हम क्या करते गए, पे करते चले गए। तो ये थे हमारे पास दो टाइप्स के नोट्स पेबल की बात करते हैं बेटा जी, ठीक है। इसको इंस्टॉलमेंट नोट का नाम भी दिया जाता है। तो पहला हमने नोट ऐसा पढ़ा कि जिसके अंदर हमने लमसम अमाउंट पे करनी है प्लस साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी हमने इकट्ठा 4 साल 5 साल या वट एवर द टाइम पीरियड हमने इकट्ठी एक ही पेमेंट में कवर अप करना है। लेकिन दूसरी टाइप में हमने ये डिस्कस किया इंस्टॉलमेंट नोट के अंदर कि हमने पेमेंट इकट्ठी नहीं करनी बल्कि किस फॉर्म में करनी है, इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म के अंदर हमने पेमेंट्स करनी है और इंस्टॉलमेंट्स के साथ पेमेंट में हमने प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी वापस करनी है और साथ ही साथ हमने क्या करते रहना है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स भी इसी में कवर करते चले जाना है। अब देखिए बेटा इसकी अकाउंटिंग की तरफ आते हैं, अकाउंटिंग एंट्री की तरफ। तो हमने यहाँ पर एक नरेशन लिखी है कि ऑन January 1, 2017 फॉगहॉग एक कंपनी का नाम हमने मेंशन किया बोरो 60,000 फ्रॉम अ बैंक, बैंक से उसने 60,000 रुपये कह दिया उन्होंने बोरो किया है टू परचेज इक्विपमेंट, कि उन्होंने एक इक्विपमेंट परचेज करने के लिए इस बोरो किया है। इट साइंस एन 8% इंस्टॉलमेंट नोट रिक्वायरिंग 3 एनुअल पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब उसने मेंशन कर लिया कि उसने साइन कर लिया 8%, 8% का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट नोट। इंस्टॉलमेंट नोट का मतलब है कि अब हमने पैसे अगर वापस करने हैं तो वो इंस्टॉलमेंट्स की फॉर्म में वापस करने हैं, यानी कि ये नहीं कि हमने 60,000 रुपया इकट्ठा वापस करना है बल्कि हमने क्या करनी है, इंस्टॉलमेंट्स करनी है रिक्वायरिंग 3 एनुअल पेमेंट्स, ठीक है। इसका मतलब 3 साल की इंस्टॉलमेंट्स करवा ली हम लोगों ने, 3 साल यानी कि 3 सालों में हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल जो 60,000 है उसको 3 सालों में हमने डिवाइड कर लेना है और साथ ही साथ हमने क्या करना है प्लस इंटरेस्ट और जितना इंटरेस्ट बनता है साथ वो भी दे देना है। अब जरा गौर से देखिएगा बेटा, हमने पहले तो January 1 पे एंट्री पास किया कि जब हमने लोन लिया है तो कैश रिसीव किया, कैश को डेबिट किया और नोट्स पेबल हमने लाइबिलिटी साइन कर ली तो उसको क्रेडिट कर दिया यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है जी कंप्यूट द पीरियडिक पेमेंट बाय डिवाइडिंग द फेस अमाउंट ऑफ द नोट, ठीक है जी, बाय द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये बेटा एक हमारी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन नहीं करनी, बस सिर्फ आप यहाँ पर इतना देख लीजिएगा कि ये मेरा कर्सर जहाँ पर बेटा देखते रहिएगा, प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितनी थी जो हमने लोन लिया था, दैट इज 60,000 और 60,000 की अब हमने जब उसको इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट किया है तो बेटा 1 साल की जो पेमेंट बनी है वो कितने की बनी है, 23,282। ये जो हमने टेबल वैल्यू यहाँ पर लिखा है और टेबल एनुटी है, ये बेटा हमारी कुछ फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं जिसकी डिस्कशन हमें यहाँ पे फिलहाल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास जो भी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हम लोगों ने कंप्लीट की उसको कंप्लीट करने के बाद हमारी जो 1 साल की इंस्टॉलमेंट बनी है वो कितने की बनी बेटा, हमारी 23,282 रुपये की इंस्टॉलमेंट 1 साल की बनी है। 3 इंस्टॉलमेंट्स अगर हम इसकी करेंगे तो 3 इंस्टॉलमेंट्स की अगर हम डिवीजन करके देखें तो बेटा ये ऑलमोस्ट आपका 70,000 के करीब करीब की अमाउंट आपकी बन जाती है। अब देखिए बेटा लिया हमने 60,000 है लेकिन वापसी हमारी कितनी बनती है, 70,000 के करीब। इट मीन्स डैट के जो एक्सेस वैल्यू हम लोग पे कर रहे हैं वो किस चीज़ का पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट का पे कर रहे हैं। अब वो पेमेंट किस तरह से होगी अब उसको भी देखिएगा बेटा, ये ज़रा गौर से अगर आप टेबल देखिए तो छोटी सी कैलकुलेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ए कॉलम के अंदर हमने क्या लिखा है जी, बिगनिंग बैलेंस कितना है उसका 60,000 जो हमने उनको पे करना है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है 60,000 रुपये के ऊपर बेटा 8% के हिसाब से वो कितने का इंटरेस्ट बनता है, पहले साल 4,800 का इंटरेस्ट बनता है। अब पिछली टेबल स्लाइड के मुताबिक हमारी जो इंस्टॉलमेंट बनी थी वो कितने की थी, 23,282 की टोटल इंस्टॉलमेंट थी। इस इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है जो उस साल का हमने पे करना है और प्रिंसिपल अमाउंट का वो हिस्सा भी शामिल है जो हमने उस साल में पे करना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरी वर्डिंग गौर से सुनिएगा बेटा, कि ये जो 23,282 की अमाउंट है बेटा जो पिछली स्लाइड से हमने लिया है वर्किंग में, 1 साल की इंस्टॉलमेंट है। इस एक इंस्टॉलमेंट के अंदर कुछ पैसे प्रिंसिपल अमाउंट के हैं और कुछ पैसे साथ किस चीज़ के हैं, इंटरेस्ट के हैं। अब इंटरेस्ट हमने ये बी कॉलम में मेंशन किया 4,800 कैसे है बेटा, कि 8% का इंटरेस्ट था तो 60,000 रुपये के ऊपर 8% लेते हैं तो 4,800, यानी कि इस 23,282 में 4,800 रुपये किस चीज़ का इंटरेस्ट का है और बाकी 18,482 रुपये किस चीज़ के हैं, वो हम प्रिंसिपल अमाउंट पे कर रहे हैं जो कि 60,000 की अमाउंट थी उसमें से ये पेमेंट कर रहे हैं। पॉइंट समझ आ गया बेटा, इसका मतलब फिर अगर 60,000 के ऊपर 4,800 ये तो था इंटरेस्ट, चलो ये तो पूरा पे हो गया और बकाया जो 18,482 है वो इस 60,000 रुपये में से पे किया हमने और पे करने के बाद बकाया हमारे पास कितना बच गया, 41,518 रुपये। फिर इसी तरह अगला साल, अब 41,518 हमने देना है, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट और फिर से हमारी वही पेमेंट और सेम उसी तरह से प्रोसीजर। और अगर आप देखिए तो 3 साल के बाद हमने क्या कर दिया बेटा, ये जो मेरा यहाँ कर्सर है कि टोटल हमने 69,846 हमने पे किया जिसमें 60,000 रुपये किस चीज़ का था प्रिंसिपल और ऑलमोस्ट 9,846 किस चीज़ का था आपका इंटरेस्ट के पैसे के। तो ये बेटा हमारे पास छोटी सी वर्किंग है इंस्टॉलमेंट नोट विद इक्वल पेमेंट्स की हमने बात की थी, कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब इसकी जनरल एंट्रीज के ऊपर आके देखिए बेटा कि जब हमने इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है तो किस तरह से होगा, लेट्स रिकॉर्ड द फर्स्ट पेमेंट, ठीक है जो ऑन December 31 टोटल पेमेंट बेटा कैश फॉर्म में हमने क्रेडिट किया कितना, 23,282
जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने का है, 4800 का, और बाकी 18482 का नोट्स पेबल अब रिटर्न हो रही है, जो पैसे एक्चुअल अमाउंट के पैसे वापस हो रहे हैं। नोट्स हमारी लाइबिलिटी थी, लेकिन जब हमने पे कर दिया उसको, तो पेमेंट करते हुए इसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। इसी तरह से बेटा आप आगे देखिए दूसरी अगले साल की एंट्री, उसमें फिर से हमने देखा रेफर बैक टू द अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल टू द December 31st, जो पीछे हमने स्केड्यूल देखा उसमें अब अगले साल की जो पेमेंट थी 2018 की, इंस्टॉलमेंट फिर से कितने की है, 23282 की। लेकिन इस पर सिनेरियो ये चेंज हो गया कि इस पर इंटरेस्ट का एक्सपेंस थोड़ा क्या हो गया, कम हो गया, और उसी के साथ साथ नोट्स पेबल की अमाउंट थोड़ी सी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक हो गया बेटा जी, तो इस तरह से हमने क्या करना है, फिर इसके ऊपर चलते चले जाना है। इस तरह ये दूसरी है एंड सो ऑन, फिर इसी तरह से तीसरी हो गई, और इंस्टॉलमेंट्स के बाद वर्किंग हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाती है। तो ये था बेटा हमारे पास इंस्टॉलमेंट नोट की वर्किंग, इस तरह से होती है कि इक्वल अमाउंट्स की हमने किस तरह से करनी है, कि जब हमने नोट साइन किया और इक्वल इंस्टॉलमेंट्स डिसाइड कर लिए कि हम लोगों ने पेमेंट 3 साल में करनी है या 4 साल में करनी है, तो फिर उस हिसाब से हमने फिर क्या कर ली, अपनी इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट कर ली। अब इंस्टॉलमेंट जब हमने पे की तो उसके अंदर कुछ पैसे प्रिंसिपल के गए, और प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ पैसे किसके जाते रहे, साथ साथ इंटरेस्ट की पेमेंट्स होती थी। तो जब 3 साल का या 4 साल का या 5 साल का जो टाइम भी हमारा डिसाइड होता है, तो जब आखिरी साल हमारा आता है तो आखिरी साल की जो पेमेंट होती है वो हमारी टोटल प्रिंसिपल अमाउंट को भी निल कर देती है। इट मीन्स दैट के प्रिंसिपल अमाउंट भी हमारी तब तक पूरी पे हो जाती है, और साथ ही साथ हमारा इंटरेस्ट भी पूरा पे हो जाता है। क्लियर होगी बात बेटा जी? चलें जी आगे चलते हैं। हमारे पास आता है जी मॉर्गेज नोट्स एंड बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं। अब ये मॉर्गेज बॉन्ड्स और मॉर्गेज नोट्स किसे कहा जाता है, अब बेटा इसमें गौर से देखिएगा। मॉर्गेज का जो वर्डी मीनिंग है वो कहते हैं गिरवी रखना। अब जब आपने बैंक से लोन लिया है और नोट साइन किया है, तो उसके साथ साथ आपने मॉर्गेज नोट का मतलब होता है कि आपने अपने किसी एक एसेट के ऊपर बैंक को चार्ज दे दिया। और चार्ज किस चीज़ का दिया, कि इन केस के फ्यूचर में अगर हम बैंक को नोट के पैसे या बॉन्ड के पैसे वापस ना कर पाए, तो बैंक के पास राइट होता है कि हमारे वो उस एसेट के ऊपर अपना चार्ज एक्सरसाइज करेगा और हमारे उस एसेट को सेल करके अपने पैसे पूरे कर लेगा। और अगर उसमें जो कमी बेशी होती है वो फिर एडजस्ट कर ली जाती है। अगर एसेट बेच के पूरे पैसे नहीं हो रहे तो बकाया पैसे कंपनी से और डिमांड कर लेगा, और अगर एसेट बेच के अपने पैसे पूरे हो जाते हैं और कुछ बच जाता है तो वो कंपनी को वापस कर दिया जाता है। अब जरा इसकी वर्डिंग पढ़ के देखिए हमने क्या लिखा बेटा जी गौर से, कि वो कहते हैं जी मॉर्गेज इज़ अ लीगल एग्रीमेंट दैट हेल्प और प्रोटेक्ट द लेंडर। लेंडर को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है, उसको बचाता है किस चीज़ से, कि इफ़ द बॉरोवर फेल्स टू मेक द रिक्वायर्ड पेमेंट, कि अगर बॉरोवर उसकी पेमेंट क्या कर दे, फेल कर दे रिक्वायर्ड पेमेंट, तो फिर क्या होगा, इट गिव्स द लेंडर द राइट, वो लेंडर को राइट देता है टू बी पेड आउट ऑफ द कैश प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ बॉरोवर्स एसेट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड इन द मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट। के मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिर एसेट स्पेसिफाई कर दिया जाता है और कंपनी बता देती है कि जी हमारा ये वाला एसेट है, वट एवर द एसेट, सपोज कर लेते हैं जी कंपनी ने अपनी क्या कर लिया कि अपनी बिल्डिंग के ऊपर क्या कर दिया, उसको बैंक को चार्ज दे दिया कि इन केस अगर हम आपका नोट वापस ना कर पाए तो हमारी बिल्डिंग आपके पास होगी, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, या हम आपको चार्ज देते हैं कि आप हमारी बिल्डिंग को क्या कर सकते हैं, सेल करेंगे, और बिल्डिंग सेल करने के बाद उसमें से अपने पैसे को क्या कर सकते हैं, आप पूरा कर सकते हैं। क्लियर होगी बात जी? तो स्पेसिफाई पहले से कर दिया जाता है, तो ऐसे नोट्स को फिर हम किस चीज़ का नाम देते हैं, मॉर्गेज नोट्स का नाम दिया जाता है। क्लियर होगी बात बेटा जी? इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं किसी भी किस्म की? चलें जी उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है जी, देखिए और से एक छोटी सी रेशियो है जो हमने डिस्कस करनी है इसके अंदर। वो कहते हैं जी कंप्यूट द डेट टू इक्विटी रेशियो एंड एक्सप्लेन इट्स यूज। अब जरा वर्डिंग तो दोबारा से देखिएगा बेटा, डेट टू इक्विटी। अब इसमें दो चीज़ों के बारे में वो आपस में क्या कर रहा है, रेशियो डिमांड कर रहा है। डेट का मतलब है कर्जे, और इक्विटी का मतलब है वो पैसा जो ऑनर का अपना लगा हुआ बिजनेस के अंदर, जाती पैसा जो लगा होता है उसको इक्विटी कहा जाता है। अब हम दोनों चीज़ों में रिलेशन पढ़ना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। किसी भी बिजनेस की ये रेशो हमें ये बताएगी कि उस बिजनेस के अंदर डेट ज़्यादा है या कि उस बिजनेस में ऑनर का पैसा ज़्यादा है। तो अब देखिएगा इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। डेट टू इक्विटी रेशो का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा टोटल लाइबिलिटीज। टोटल लाइबिलिटीज़ का मतलब है जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, जो कंपनी ने लोन उठाए हैं डिफरेंट टाइप्स की, जो भी लाइबिलिटीज, डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। इक्विटी सेक्शन बेटा हमने डिस्कस कर लिया हुआ है, पिछले चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी हमारी किस तरह से होती है, तो उस पर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए उसने यहाँ मेंशन कर दिया कि दिस रेशियो हेल्प्स इन्वेस्टर डिटरमिन द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी बाय डिवाइडिंग इट्स टोटल लाइबिलिटीज बाय टोटल इक्विटी। अब जो भी नया इन्वेस्टर अगर किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो इस रेशो को कैलकुलेट करके चेक करता है कि क्या इस बिजनेस पर डेट ज़्यादा है या कि इसमें ऑनर का अपना पैसा ज़्यादा लगा हुआ है। अगर तो कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा होंगे तो इट मींस दैट कंपनी के ऊपर फिर इंटरेस्ट का बर्डन भी ज़्यादा होगा, कंपनी की लाइबिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, और अगर इक्विटी पैसा ज़्यादा लगा होगा तो डेफिनेटली कल को कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाएगी। तो फिर इन्वेस्टर इस चीज़ से चेक कर लेता है कि क्या कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या
नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे वर्किंग देखिएगा बेटा, 4 साल की वर्किंग हमने शो की है, मैं सिर्फ 1 साल की वर्किंग आपको शो कर देता हूँ। 2015 में हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ हैं बेटा 52,060 रुपये की, और टोटल इक्विटी है हमारे पास सिर्फ कितने की, 13,384 रुपये की। तो अगर हम लोग इसकी डेट टू इक्विटी फाइंड करना चाहते हैं तो बेटा फिर हम क्या करेंगे, टोटल लाइबिलिटीज़ यानी कि 52,000, इसको डिवाइड किसके ऊपर करेंगे हम लोग, 13,384 के ऊपर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारी डेट टू इक्विटी रेशियो फिर हमारे पास क्या आती है, 3.9। 3.9 का मतलब है कि हमारा जो डेट है वो 3 टाइम्स, या 3.9 का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम्स हमारे डेट्स ज़्यादा हैं इस बिज़नेस की इक्विटी से, ये इसका आंसर था। और इसको कंपेयर करने के लिए इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी 1.7। अब ये इंडस्ट्री डेट टू इक्विटी का मतलब क्या है बेटा, कि हमारी जो सिमिलर बिजनेस मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारी तरह के जो सिमिलर बिजनेस मार्केट में काम कर रहे हैं उनकी डेट टू इक्विटी क्या चल रही है, 1.7, लेकिन हमारी क्या चल रही है, 3.9। हमारी डेट टू इक्विटी उनसे बहुत ज़्यादा है, जो कि अच्छा सिंबल नहीं है, क्योंकि कंपनीज की लाइबिलिटीज़ जितनी कम हो उतना ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इट मीन्स दैट कि हम लोग अपनी मार्केट के हिसाब से अपने बिजनेस में ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर नहीं किए जा रहे, क्योंकि मार्केट जस्ट 1.7 पे चल रही है और हम लोग 3.9 पे चल रहे हैं, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा पे जा रहे हैं। और इसी तरह से हमने बाकी सवालों के भी कैलकुलेट करके आपको शो की हुई है। तो ये हमारे पास एक एनालिसिस होता है बिजनेस का, कि जब कोई भी नया इन्वेस्टर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उस तरह से उसकी वर्किंग को हम लोग जो है ना फाइनलाइज करते हैं। क्लियर होगी बात बेटा जी, इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं किसी भी किस्म का। चलें जी, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं बेटा जी। इसके अंदर अब एक छोटी सी वर्किंग और है, एक्सप्लेन एंड कंप्यूट बॉन्ड प्राइसिंग। बॉन्ड होगा या नोट होगा, इसकी किस तरह से प्राइसिंग कंप्यूट की जाती है। तो इसमें बेटा दो चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा होता है, कि कैश आउटफ्लो रिलेटेड टू इंटरेस्ट पेमेंट्स, कि हम लोग इंटरेस्ट पेमेंट्स किस हिसाब से कर रहे हैं, 6-6 माह की पेमेंट है या हमारी साल साल की पेमेंट है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारे पास, एक तो हमें ये देखना होता है, और कितने साल के बाद पेमेंट हो रही है, हमने ये चीज़ कंसिडर करनी होती है। तो ये मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको ये भी बता दिया कि इंटरेस्ट देखिएगा तो 6 माह की पेमेंट्स हो रही है, 6 मंथ पे 4,000, फिर 12 मंथ पे 4,000, फिर 18 माह पे 4,000, और फिर 24 माह पे 4,000, यानी कि 2 साल का टोटल टाइम, और उसमें 4 पेमेंट्स हैं 6-6 माह के बाद हमारी 4,000 रुपये की। और कैश आउटफ्लो फॉर पार वैल्यू एट द एंड ऑफ बॉन्ड लाइफ, और 24 महीने के बाद हमने फिर बॉन्ड जो था 1 लाख रुपये का वो भी हमने वापस करना है। इसका मतलब फिर ये हमारे पास टोटल पेमेंट जो बन जाती है, 1 लाख हमने ये दिया और 4,000 की 4 पेमेंट्स, यानी कि 16,000 रुपये हमने ये वापस किया। तो लिया 1 लाख रुपये का था हमने लोन, और वापस हमें 1,16,000 रुपये करना पड़ा। तो इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमने क्या करना है, अब ये देखिएगा वर्किंग हमने, कि फिल आ इशूज बॉन्ड्स विद द फॉलोइंग प्रोविजंस। पार वैल्यू हमारे पास कितने की है बेटा जी, 1 लाख रुपये की। इशू प्राइस हमने जो है ना क्वेश्चन मार्क का फिलहाल इसके ऊपर, स्टेटेड इंटरेस्ट रेट हमारे पास 8% है, मार्केट इंटरेस्ट हमारे पास 10% है, ठीक है जी। इंटरेस्ट डेट्स हमने साल में 2 ले ली हैं, बॉन्ड इशू किया जा रहा है 2017 दिसंबर 31 पे, और मेच्योरिटी डेट है उसकी वापसी का 2019 दिसंबर 31 के ऊपर। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट फैक्टर की बात करते हैं जी, डिस्काउंटेड बॉन्ड्स टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है अगर इसकी, एंड नीड रेलिवेंट इंटरेस्ट रेट एंड द नंबर ऑफ पीरियड्स की बात करते हैं। तो ज़रा नीचे वर्किंग आके देखिएगा बेटा हमने किस तरह से किया। कैश फ्लो हमारे पास कितना है, 1 लाख रुपये पार मेच्योरिटी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है अमाउंट 1 लाख की, और प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कितने की आती है बेटा जी, 82,270 की बात। अब बेटा गौर से देखिएगा ये प्रेजेंट वैल्यू क्या चीज़ है, ये हमारा एक फाइनेंस का बड़ा डीप टॉपिक है, मैं छोटा सा उसका इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर देता हूँ, कि बेटा टाइम के गुजरने के साथ साथ हमारी मनी की वैल्यू डिक्रीज करती है, और अगर वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो हमें क्वांटिटी बढ़ाकर अपनी वैल्यू को बराबर करना पड़ता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करूंगा, कि आप लोग छोटे होते एक रेगुलर बॉटल ज़रा गौर याद कीजिएगा कितने की पीते होंगे, उस टाइम की प्राइस को आज की प्राइस के साथ ज़रा कंपेयर करके देखिए, तो डेफिनेट सी बात है आज हमारी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। लेकिन अगर आप गौर कीजिएगा तो क्या रेगुलर बॉटल की कोई क्वांटिटी में फ़र्क आया या क्वालिटी में फ़र्क आया, नहीं आया होगा। इसका मतलब फिर हम लोग पहले कम पैसे देते थे, अब हमें उसके लिए ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि हमारी मनी की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। तो मनी की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो हमें उस वैल्यू को पूरा करने के लिए और पैसे देने पड़ते हैं। इसका मतलब फिर यहाँ पर एक फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, जो कि मनी जो क्या है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि टाइम के हिसाब से मनी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। अब इस फैक्टर को माइंड में रखते हुए ज़रा गौर से देखिएगा कि 1 लाख रुपये की पेमेंट मैंने करनी है 2 साल के बाद, उस वक्त 2 साल के बाद का 1 लाख रुपया, अगर उसका मैं आज उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो डेफिनेटली आज उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी।
उसकी क्वांटिटी कम होगी, तो उस वैल्यू को हमने जब कैलकुलेट करके देखा फाइनेंशियल कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए। ये कैलकुलेशंस क्या हैं बेटा, इसको आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, मैं बस आपको सम अप कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, एज पर सच इसका हमारे क्वेश्चन के साथ भी कोई इतना खास लिंक नहीं होगा। तो हमने वो फाइनेंशियल कैलकुलेशन को यूज़ करते हुए बेटा जब चेक किया तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनी, 82,270। तो मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ बेटा कि आज का 82,270 रुपये 2 साल के बाद हमें कितना पे करना पड़ेगा, 1,00,000 रुपये पे करना पड़ेगा। इट मीन्स डैट कि फिर इसमें कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ, और उस फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट से लेते हुए हमारी मनी की वैल्यू डिक्रीज हुई, लेकिन हमें ज़्यादा पैसे देकर मनी की वैल्यू को क्या करना पड़ा, इक्वल करना पड़ा। बाकी डिस्कशन इसके अंदर जो भी है उसको छोड़ दें, उसको इग्नोर कर दें, बस एक छोटा सा पॉइंट था जो आपको प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर की डिस्कशन में आपके साथ शेयर करने। ठीक हो गया बेटा जी, उसके बाद छोटी छोटी सी दो तीन कुछ इन्फॉर्मेशन हैं जो आपके साथ और शेयर कर देता हूँ। लीजिंग एंड पेंशन की बात करते हैं बेटा, इसको बेटा आप लोग स्लाइड ज़रा रोक कर देख लीजिएगा कि हमारे पास लीज़ किसे कहा जाता है। लीज़ होता है बेटा कि हम लोगों ने जो, चलिए डेफिनेशन को पहले देखते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं कि लीज़ इज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द लेसर यानी कि एसेट ऑनर एंड द लेसी एसेट रेंटर टेनेंट दैट ग्रांट्स द लेसी द राइट टू यूज़ द एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न ऑफ कैश। ठीक है जी, रेंट पेमेंट्स। वेरी सिंपल, हम गाड़ी बैंक से लीज़ करवाते हैं तो बेसिकली गाड़ी की ऑनरशिप तो बैंक की है, और कब तक बैंक की ऑनरशिप रहती है, जब तक हम बैंक को सारे पैसे पे नहीं कर देते। तो उतना अरसा फिर बैंक क्या करता है कि हमें गाड़ी तो दे देता है यूज़ करने के लिए, हमें राइट तो दे देता है उसको यूज़ करने का, लेकिन ऑनरशिप बैंक के पास रहती है। लेकिन जब तक हम पैसे पूरे बैंक के पे नहीं कर देते, बैंक हमारे से क्या करता रहता है उन पैसों के ऊपर, या तो इंटरेस्ट चार्ज करता रहता है या फिर उनका रेंट चार्ज करता रहता है। इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, एक लीज़ का नाम दिया जाता है। अब इसकी दो टाइप्स आपके सामने शो हो रही हैं, एक हमारे पास है ऑपरेटिंग लीज़ है और एक हमारे पास कैपिटल लीज़ है। ठीक हो गया जी, ऑपरेटिंग लीज़ की हम लोग बात करते हैं तो किसे कहते हैं, ऑपरेटिंग लीज़ आर शॉर्ट टर्म और कैंसलेबल होता है। ठीक है जी, लीज़ इन विच द लेसर रिटेन्स द रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ऑनरशिप। लेसर का मतलब होता है जो ऑनर है, यानी कि बैंक की बात करते हैं तो बैंक के पास ऑनरशिप होती है, रिस्क ऑफ रिवॉर्ड होता है। ठीक है, वो कर सकता है यानी कि वो जब चाहे क्या कर सकता है, अपनी चीज़ को वापस लेने का भी राइट रखता है। इसमें एग्जाम्पल्स में हमने क्या कह दिया, इंक्लूड्स मोस्ट कार एंड अपार्टमेंट रेंटल एग्रीमेंट्स को, कार वगैरह के जो लीज एग्रीमेंट्स होते हैं उसकी बात करते हैं। और कैपिटल लीज की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो कैपिटल लीज आर लॉन्ग टर्म, ठीक है जी, लीज होती है बाय विच द लेसर ट्रांसफर्स सब्सटेंशली ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ऑनरशिप टू द लेसी, एग्जाम्पल द लीज ऑफ एयरप्लेन्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स बिल्डिंग्स वगैरह की बात। अब इसमें यह होता है कि हम लोग अप्रॉक्सीमेटली ऑनरशिप राइट जो होते हैं वो सारे के सारे क्या कर चुके होते हैं, ट्रांसफ़र कर चुके होते हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपको हमारी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेट्रोल पंप की जो ज़मीनें हैं, जो गवर्नमेंट की ज़मीन है, और अगर कोई पेट्रोल पंप बनाना चाहता है तो पुराने दौर में हम गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे और 99 ईयर्स के लिए हम क्या करते थे, बैंक से, गवर्नमेंट से वो ज़मीन लीज़ पर ले लेते थे। तो 99 ईयर्स का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 100 साल के लिए जब ज़मीन ले ली, तो फिर क्या होता था कि गवर्नमेंट हमें उस ज़मीन की तकरीबन हमें ऑनरशिप हमारे नाम पर ट्रांसफ़र हो जाती थी। ठीक है, इसका मतलब फिर सब्सटेंशली राइट पूरा का पूरा दे दिया जाता है कि ऑनरशिप के तौर पर वो हमारे पास आ जाती है और हम उसकी ऑनरशिप को भी साथ साथ क्या करते हैं, एंजॉय करते चले जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग लीज, कैपिटल लीज, और इससे पहले हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग लीज के बारे में। ठीक था जी बेटा, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपके साथ मजीद शेयर कर लिया। दैट विल बी द एंड ऑफ चैप्टर 14 बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, हमारी तकरीबन सारी की सारी डिस्कशन कंप्लीट होंगी इस चैप्टर की। तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसकी न्यूमेरिकल परफॉर्मेंसेज होंगी, इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसी तरह से न्यूमेरिकल परफॉर्मेंस के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसके भी असाइन कर दूंगा एज अ असाइनमेंट, तो इंशाल्लाह ताला वो असाइनमेंट भी आप उसी तरह से परफॉर्म करेंगे जैसे हमने प्रीवियस असाइनमेंट के ऊपर काम किया था। ठीक है बेटा जी, अब आप ये लेक्चर देखिए, अगर लेक्चर देखने के बाद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो एडमोडो ऑप्शन, एडमोडो नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप ऑप्शन, व्हाट्सएप के अंदर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वॉइस नोट में मुझे क्वेश्चन दे दीजिएगा, वॉइस नोट में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका आंसर दे दूँगा। ठीक हो गया बेटा जी, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।